प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की विशेष अदालत ने मंगलवार को 6000 करोड़ रुपए की नशा तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पंजाब पुलिस के बर्खास्त डीएसपी व अर्जुन अवार्डी पहलवान रुस्तम हिंद जगदीश भोला समेत 17 लोगों को सजा सुनाई। दोषियों में भोला की पत्नी व ससुर भी शामिल हैं। दोषी जगदीश भोला व तार उर्फ तारी को 10 साल की कैद व 50,000 जुर्माना, मनप्रीत सिंह, सुखराज सिंह, सुखजीत सिंह, दविंदर सिंह व मनिंदर सिंह को 10-10 साल की कैद, दोषी गुरप्रीत सिंह, सुभाष बजाज, सूरज बजाज व अंकुर बजाज को 5-5 साल की कैद व 30,000 रुपये का जुर्माना, जबकि जगदीश भोला की पत्नी गुरप्रीत कौर, अवतार सिंह की पत्नी संदीप कौर, जगमिंदर कौर औलख, गुरमीत कौर, अमरजीत कौर व भोला के ससुर दिलीप सिंह मान को 3-3 साल की सजा सुनाई गई। अदालत ने इन पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि मामले में 11 साल बाद फैसला आया है। वर्ष 2013 में ईडी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। दोषियों को पीएमएल एक्ट की अलग अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई गई। सजा सुनाने के समय जगदीश भोला अदालत में मौजूद नहीं था, उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया, जबकि अन्य दोषी कोर्ट में मौजूद रहे। ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह, जो कि जांच करता है, उन्होंने बताया कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्कर गिरोह से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस केस में 4 चार्जशीट फाइल की गई थी। मामले में भोला और उसके परिवार सहित कुल 23 आरोपी थे। इनमें से 4 की कोर्ट ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है और 2 आरोपी भगोड़े हैं। 17 दोषियों को अदालत ने सजा सुनाई है। निरंजन सिंह ने बताया कि जांच के दौरान ड्रग मनी से दोषियों ने जो संपत्तियां खरीदी थी उन्हें ईडी ने अटैच किया था। बाद में लीगल अथॉरिटी ने इसकी पुष्टि भी की थी। जब्त की गई दोषियों की संपत्ति की कीमत करीब 400 करोड़ से अधिक और बुक वैल्यू 100 करोड़ रुपए से ऊपर थी। आरोपियों ने करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई लेकिन उसका इनकम टैक्स नहीं भरा। जब जांच शुरू हुई तो उनकी संपत्ति आय से अधिक निकली। इन संपत्तियों में आलिशान कोठियां, औद्योगिक प्लॉट व अन्य संपत्तियां शामिल थी। उन्होंने कहा कि अगर कोविड ना आता तो ये फैसला बहुत पहले आ जाता। कोविड के दौरान करीब 1.5 साल मामले की सुनवाई अटकी रही। इस मामले का पर्दाफाश साल 2013-14 के दौरान हुआ था। ईडी ने जनवरी 2014 में भोला को गिरफ्तार किया था और उसकी 95 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। बता दें कि जगदीश सिंह उर्फ भोला पहले एक कुश्ती का खिलाड़ी था जो बाद में पंजाब पुलिस में भर्ती हो गया। डीएसपी बनने के बाद वो नशा तस्करों के संपर्क में आया और बाद में उनका सरगना बन गया था। जांच में सामने आया था कि ये रैकेट पंजाब से लेकर विदेशों तक फैला हुआ है। इस केस में पंजाब के राजनेताओं का नाम भी सामने आया था। जांच पूरी होने तक पता चला कि नशा तस्करी से जुड़ा यह मामला करीब 6000 करोड़ रुपए का है। साल 2019 में इस मामले में सीबीआई की अदालत ने भोला सहित 25 लोगों को एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 मामले में सजा सुनाई थी। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।